Hi, this is Viren, और आज हम करने वाले नया चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर अप विद थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस. बात करते हैं आज कि जैसे करंट के फ्लो होने की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और फिर कैसे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कैसे एक इलेक्ट्रिक वायर के आसपास भी आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन को महसूस कर सकते हैं. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. बात करते हैं पहले कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारा कोई वायर है, उस वायर से हमारा करंट फ्लो होने लगता है तो उसके आसपास एक तरह की अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं या रिपल्शन महसूस कर सकते हैं. मतलब कि अगर आप देखें तो उस इलेक्ट्रिक वायर के आसपास भी कुछ ना कुछ फोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो या तो अट्रैक्शन होंगे या फिर रिपल्शन होंगे. तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो यहाँ से अगर हमारा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो आप अगर एक वायर के आसपास, जैसे ये वायर है, इसके आसपास अगर आप नीडल रखें तो आपको देखना पड़ेगा कि वो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी कि वो एक तरह का आपको शो करने लगता है कि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है. इस वजह से वो कंपास जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को आप देखते हो अक्सर हम पहले यूज़ किया जाता था डायरेक्शन पता करने के लिए, तो वो डिफ्लेक्ट होने लगता है. ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का. अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का पास डायरेक्शन और मैग्नेट्यूड दोनों होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नेट्यूड दोनों है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, राइट? बेसिकली अगर हम सेकेंड पॉइंट पढ़ें, द रीजन अराउंड द मैग्नेटिक वेयर इट्स पोल एग्जिबिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे अगर बार मैग्नेट देखें तो बार मैग्नेट हमारा कुछ कुछ ऐसा ही होता है, जिसका एक साइड हमारा नॉर्थ होता है और दूसरी साइड हमारा साउथ होता है. आपने बचपन में बहुत खेला भी होगा मैग्नेट से. तो एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है, ये पोल्स बन जाते हैं. इन पोल्स की वजह से अगर आप दूसरे मैग्नेट को इसके पास लेके आते हो तो या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है. आपको पता है कि अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा. जब सेम पोल्स होंगे तो ऑब्वियस है कि रिपल्शन होगा. अब इन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक तरह का रिपल्शन हो जाएगा. एक तरह का रिपल्शन होने लगेगा कि दोनों सेम पोल्स हैं. बेसिकली मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेट होते हैं उनमें पोल्स होते हैं जो कि दो तरह के पोल्स को दिखाते हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन. सिंबल यूज टू एक्सप्रेस अ मैग्नेट. अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम उसे शो करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम उसे बी से शो करते हैं. नाउ मेजर्ड, अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट हमारी मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है और ये मेजर न्यूटन पर मीटर में ही होता है. आप इसे न्यूटन पर मीटर में भी कर सकते हैं या फिर टेस्ला भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली क्या है कि मैग्नेट, आपको पता है कि एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है. तो आउटसाइड द मैग्नेट तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से ही मैग्नेटिक लाइन्स जाते हैं, लेकिन इनसाइड यानी मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं. ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स होती. मैग्नेटिक लाइन्स बेसिकली होती क्या है? मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं जैसे कि डायरेक्शन कह लो या इमेजिनरी लाइन्स होती हैं. कहीं भी एक मैग्नेटिक फील्ड है या फिर कोई भी मैग्नेट है तो उसके आसपास एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, इमेजिनरी पाथ कह लो, जो एक फ्लो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को मतलब एक वो करती हैं. तो आउटसाइड तो वो नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड, पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इनसाइड साउथ टू नॉर्थ भी होती हैं. इसी वजह से मैग्नेटिक लाइन्स हमेशा क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड लूप बनाती हैं. यानी कि अगर आप देखें तो अगर यहाँ से ये मैग्नेट जा रहा है तो ये मैग्नेट अंदर जाएगा और ये ऐसे
यानी कि ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे बाहर से तो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर जाके वो साउथ टू नॉर्थ भी जाएगा, तो इस वजह से एक क्लोज लूप बनाता हुआ जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है डिफरेंस, मैग्नेटिक लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो मैग्नेटिक लाइन्स में हमेशा मूविंग चार्ज होती है, यानी कि चार्ज मूव करते हैं, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिक लाइन्स में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कभी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका चार्ज जो मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास करता हुआ जाता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को एनर्जी पास करते रहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज मूव करते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स फॉर्म्स अ क्लोज लूप, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो क्लोज, मैंने बताया था आप लोगों को कि वो आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी क्लोज नहीं होता, वो ओपन लूप होता है। बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स डू एग्जिट इनसाइड अ मैग्नेट, क्लोज लूप है इसलिए मैग्नेट के अंदर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स इनसाइड द चार्ज बॉडी नहीं होती। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन की भी बात हमने कर ली है वैसे, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड याद रखना, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, whereas electric lines move from positive to negative, ये सब positive से negative के direction में electric lines move करते हैं। If you have any doubt, any query, write in a comment box, or you can also join our Facebook page that is Viren Edgar, link in description box, where you can have more updates about our upcoming videos or our more stuffs. There are handwritten notes also available, so links in description box. I've decided to come up with the videos in a week, 3 days, that is Tuesday, Thursday and Saturday. So we will come on Tuesday, Thursday and Saturday. So you can see our videos on Tuesday, Thursday, Saturday. So these 3 days we will come up with new videos and on new topics about this. And we cover up electricity. So if you have not studied about electricity or you are thinking to study about them, please go through this and write link in description box.